सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग सर्वाइव करने वाले टोटल 50 डेज जंगल ओनली बायोम में। और ये मैं पहली बार इस टाइप का वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। और गाइस, वीडियो को आगे जाने से पहले मैं तुम लोग को विश कर देता हूँ हैप्पी दिवाली, ठीक है। अच्छे से सेफ दिवाली मना लेना। चलो आगे बढ़ते। तो देखो गाइस, इसमें तुम लोग जानते हो मॉब्स का स्पॉन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है, एनिमल्स भी नहीं मिलते, मतलब फूड रिसोर्सेज तो बहुत ही कम होता है। तो सर्वाइवल सच्ची में बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन हमें इसमें सर्वाइव करते हुए हमारा मेन गोल ये 50 डेज का है कि हमें बनाना एक ट्री हाउस बहुत ही सुंदर सा, और उसके साथ फार्म, फिर हमें डायमंड का फुल आर्मर बनाना है और फुल एन्चेंटेड रूम। तो देखते हैं हम लोग सर्वाइव कर पाते या नहीं। तो गाइस, पहले दिन मैं स्पॉन हो जाता हूँ एक अनजाने जगह, ऑफ कोर्स ये बात है अनजाने जगह ही था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वुड कट किया, क्योंकि सब लोग जानते हैं सबसे पहले हम लोग को वुड कट करना होता है, उससे ही हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल से हम लोग बना पाते हैं बेसिक्स टूल्स। तो मैंने वही किया, वुड कट करने के बाद सबसे पहले मैंने उसको प्लैंक्स में कन्वर्ट किया, फिर मैंने उसको क्राफ्टिंग टेबल बनाया। फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैंने सबसे पहले टूल्स बनाए, क्योंकि मुझे और भी सारे वुड कट करने थे। तो मैंने एक्स और पिकैक्स किया, क्योंकि मुझे केव मिल चुका था ऑलरेडी। जाते जाते मुझे पैंडा मिला, और ये मेरे साथ सच्ची में मजाक कर रहा था। तो मैंने जाते जाते इसके साथ बोल दिया, गोली बेटा मस्ती नहीं। उसके बाद मुझे सामने वाटरमेलन्स मिले। जैसे तुम लोग जानते हो, वाटरमेलन ही सबसे ज़्यादा मतलब हमें खाने के लिए जंगल ओनली बायोम में मिलता है, और इसका ज़्यादा हेल्थ भी नहीं देता है, लेकिन हाँ जो भी मिले खुश रहने का उतने में। तो मैंने इनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट किए, क्योंकि ये जंगल बायोम था और यहाँ वुड की कमी नहीं थी। तो मैं सोचा भाई मिल रहे तो क्यों कलेक्ट नहीं कर लेते, तो मैंने बहुत सारे वुड कलेक्ट कर लिए। उसके बाद मैं वहाँ पहुँच गया जो केव मुझे स्टार्टिंग में मिला था, और यहाँ मैं सच्ची में डर रहा था, क्योंकि हार्डकोर था, मरता तो जिंदा नहीं हो पाता, इसलिए मैं थोड़ा देख के माइनिंग किया। माइनिंग करने के बाद मैंने क्राफ्टिंग टेबल निकाला, और क्राफ्टिंग टेबल में मैंने अपने लिए थोड़े बहुत पिकैक्स बना लिए स्टोन के, और फिर मैं निकल गया वापस से माइन करने अंदर। अंदर जाते जाते मुझे सच्ची में बहुत डर लग रहा था, लेकिन लकीली मेरे को स्टार्टिंग में ही बहुत सारे कोल मिल लिए थे, तो मैं अब अंदर आराम से जा सकता था निडर होके, क्योंकि मैं टॉर्चेस बना सकता था इन कोलों से। कोल लेने के बाद मैंने सबसे पहले टॉर्च बना लिए अपने इन्वेंट्री में ही, और उसके बाद मैंने जैसे टॉर्च लगाया मेरे को स्टार्टिंग में ही मिल गए आयरन, मतलब इससे ज़्यादा लक हो नहीं सकता था। तो मैंने आयरन को भी माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। माइनिंग करके जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि भाई इवनिंग हो गई है, और मेरे पास ना वुल थे बेड बनाने के लिए, और ना ही स्पाइडर्स यहाँ स्पॉन हो रहे थे। वैसे बोलते यहाँ बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, लेकिन भाई आज मॉब्स की ज़रूरत थी तो स्पॉन नहीं हुए। तो मैंने क्या किया, मैं खुद को हाइट पे ले गया, और मैं सोचा कि आज जग के अपना पहला रात बिताऊंगा। लेकिन गाइस, रात को एक चीज़ मेरे साथ होती है, मैं नीचे गिर जाता हूँ गलती से, लेकिन हाँ नीचे कोई मॉब नहीं होते हैं, तो लकीली मैं वापस से जल्दी ऊपर जाता हूँ, और पहला रात मैं ऐसी शांति से बिताता हूँ। अगला दिन स्टार्ट होता है, और क्या ही स्टार्ट होता है, मतलब इतना सुंदर व्यू के साथ और इतनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। उसके बाद मैंने जितने भी ब्लॉक्स लगाए थे उनको मैंने कट करना स्टार्ट किया। नीचे जैसे मैं पहुंचा, स्केलेटन मेरा वेट कर रहा था, और मैंने इससे फाइट लिया जानबूझ के, क्योंकि मैं और ब्रेव बनना चाहता था इस गेम में। उसके बाद मेरे को एक शिप दिख जाती है, लेकिन एक से कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन बूंद बूंद से घारा भरता है एक कहावत है। तो मैंने उसको मारा, उसके बाद मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल खोला, और इसके अंदर मैंने प्लैंक्स कन्वर्ट किए, उसके बाद स्टिक्स, और उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े बहुत टूल्स बनाए, और फिर से मैंने वुड कट करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे वुड कट करने के बाद मेरे को एक शिप दिखती है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, और लेकिन फाइनली लास्ट में मुझे मिल जाती है, उसको भी मैं बलि चढ़ा देता हूँ। उसके बाद फिर से वाटरमेलन दिखते हैं, और मेरे को लालच आ जाती है, और मैं उनको भी लूट लेता हूँ। देखते ही देखते डे टू भी एंडिंग को आ गया था, और मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पास सिर्फ 2 वुल है और 1 वुल की कमी है। तो मैंने सोचा कि आज नाइट भी हम लोग फर्स्ट नाइट जैसे ही सर्वाइव करेंगे। तो मैंने अपना हेल्थ पूरा किया, और जैसे फर्स्ट नाइट को मैंने ब्लॉक्स लगा के हाइट पे पूरा रात जग के अपना बिताया, वैसे ही कर रहा था, लेकिन मैं जब ऊपर जा रहा था मुझे डैमेज पड़ा, लेकिन मैं इन सबको इग्नोर किया, और मैंने वापस से अपना ब्लॉक कंटिन्यू करा लगाना। अब मेरे को घर के प्रिपरेशन के लिए तैयारी करनी थी, तो सबसे पहले मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल निकाला, उससे मैंने प्लैंक्स से स्टिक्स बनाए, और स्टिक्स से मैंने अपने लिए लैडर बनाया, क्योंकि मैं ट्री हाउस बनाने वाला था, और ट्री हाउस में ऊपर जाने के लिए मैंने सोचा सबसे बेस्ट लैडर रहेगा। तो मैंने क्लीन किया एरिया, और मैंने लैडर लगाना स्टार्ट कर दिया।
जैसे मैं लैडर लगा के नीचे आया, मैं देखता हूँ एक और शिप और मैं सोचता हूँ आज रात से मैं शांति की नींद सो पाऊंगा। तो उसके पास मैं जल्दी से जाता हूँ और उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैंने वुड की कटिंग करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे अब अपने घर बनाना था और उसके लिए मुझे बहुत सारे वुड की ज़रूरत थी। वुड कट कर ही रहा था तब मेरे को एक केव मिला और ये बहुत ही अजीब था सच्ची में। और यहाँ मेरे को एक नया ओर मिलता है जिसे कॉपर कहते हैं। तो मैंने अपना स्टोन का पिकेक्स बाहर निकाला और मैंने यहाँ माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर मुझे आगे जाने के बाद और भी ओर मिले। उन सबको कलेक्ट करने के बाद मैं घर पहुँच गया और घर पहुँचते पहुँचते इवनिंग हो गई थी और मैंने अभी तक अपने लिए बेड नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए बेड बनाया, फिर फर्नेस बनाए, फर्नेस मैंने यहाँ प्लेस किया और इसके अंदर मुझे जितने भी आयरन मिले थे उसको मैंने मेल्ट करने लगा दिया और मैं बेड लगा के सो गया। फिर अगला दिन होता है और मैं देखता हूँ मेरा इन्वेंट्री बहुत भरा होता है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए थोड़े बहुत चेस्ट बनाए, चेस्ट को मैंने प्लेस रखा और मैंने अपने इन्वेंट्री को क्लीन कर दिया बिल्कुल, क्योंकि मुझे कचरा पसंद नहीं। उसके बाद मैंने अपने आयरन निकाले जितने भी स्मेल्ट हो गए थे। उसके बाद मैंने अपने लिए थोड़े बहुत टूल्स बनाए, थोड़े नहीं एक्स बनाए, क्योंकि मुझे अब अपने घर के आसपास के ट्री को कट करना था, क्योंकि तुम लोगों को पता है मैं अपने घर के पास नीटनेस रखता हूँ। तो मैंने वुड को कट करना स्टार्ट कर दिया। इन सबसे जितने भी मेरे को वुड मिले थे उन वुड से मैंने अपने प्लैंक्स बनाए, क्योंकि इन प्लैंक्स से मैं अपने घर का बेस बनाने वाला था और मुझे बहुत सारे वुड की ज़रूरत थी। अगला दिन हुआ, मैंने घर का काम करना स्टार्ट कर दिया और ये घर बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये घर बहुत ही बड़ा था। घर बनाया और मैंने साथ ही साथ अपने लिए फार्म भी बना दिए। और सच्ची बोल रहा हूँ गाइस, इतना डिफ़िकल्ट हुआ ये घर बनाने में क्योंकि बहुत इतनी बार बारिश हो रही थी, लेकिन हाँ कैसे भी करके मैंने अपना घर कंप्लीट कर लिया 15 दिन में। फाइनली बहुत दिनों के मेहनत के बाद मेरा घर रेडी हो गया था। कमेंट करके बोलना तुम लोग को अच्छा लगा या नहीं। मुझे तो बहुत ही ओपी लगा क्योंकि इस घर में मैंने एक ट्री रखा है और ट्री के ब्रांचेस निकाल दिए और एक एक ब्रांच मतलब एक एक फार्म था। जैसे तुम लोग देख सकते हो नीचे टोटल 3 फार्म थे। और इससे भी ओपी ये चीज़ था कि जो चीज़ को तुम लोग मेरा घर समझ रहे थे वो मेरा घर नहीं था। जैसे कि ये सामने, ये मेरा घर नहीं था, ये तो मैंने ऐसे ही बना लिया। अगर विलेजर मिलेंगे जॉम्बी तो उनको कन्वर्ट करके रखेंगे, लेकिन मेरा घर एक बहुत ही ओपी जगह था जो बिल्कुल टॉप पे था। और मैंने ये यहाँ इसलिए बनाया क्योंकि जंगल बायोम में व्यू एक नंबर आता है और यहाँ से वो व्यू मुझे मिल रहा था। उसके बाद मैं नीचे आया और मैंने जितने भी आयरन स्मेल्ट हुए थे उनको निकाल लिए और मैं सोचा कि अब मुझे अपने लिए टूल्स एंड आर्मर बनाने की ज़रूरत आ गई है। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए टूल्स बनाए, उसके बाद आर्मर। एक लेगिन बनाने के लिए मेरे को आयरन कम पड़ गए थे लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं निकल गया शुगर केन कलेक्ट करना क्योंकि मुझे शुगर केन फार्म बनाना था। उसके बाद मैंने थोड़े बहुत सैंड भी कलेक्ट किए। अगले दिन मैं फिर से उधर ही पहुंच गया जहाँ से मैंने शुगर केन माइन किया था, क्योंकि वहाँ मैंने एक केव देखा था और वो जाते जाते मेरे को रास्ते में स्केलेटन मिल गया और अब मैं बिल्कुल नहीं डर रहा था। तो उसको मारा और मैं पहुंच गया उस एरिया पे जहाँ मेरे को केव मिला था। या थोड़े बहुत शुगर केन थे तो मैं सोचा इनको भी मैं लूट लेता हूँ, तो शुगर केन को मैंने लूट लिया। उसके बाद मैंने देखा कि आयरन था तो मैं जंप कर रहा लेकिन नीचे गिर गया। उसके बाद मैं देखा कि यहाँ ग्लो स्क्विड भी थी लेकिन उसका कोई काम नहीं था, क्योंकि मैं आगे तुम लोग को बोलूँगा क्यों। उसके बाद यह आयरन थे, इन सबको मैंने माइनिंग करके लूट लिया। माइनिंग कर ही रहा था कि मैं देखता हूँ कि यहाँ एक जंगल टेम्पल है और सच्ची में मैं इसका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जंगल टेम्पल को लूटा, मेरे को ठीक ठाक लूट मिला, उतना भी ओपी लूट नहीं मिला, लेकिन हाँ जो भी फ्री में मिले ले लेने का, ज़्यादा नखरे नहीं करने का। उसके बाद मैंने इन सबको लूटा और मैं निकल गया अपने घर को। घर पहुंचने के बाद जितने भी आयरन स्मेल्ट हुए थे मैं उनको निकाल लिया और उनसे मैंने अपने लिए जितने भी ज़रूरत के सामान थे, जैसे कि मेरा एक आर्मर था, मुझे बकेट्स भी बनाने थे, इन सबको मैंने बना लिया आयरन से।
ये बनाने के बाद मैं निकल गया अपने फार्मिंग बनाने, क्योंकि अब मुझे फार्म बनाना था। तो मैं सीधा ऊपर जाता हूँ और मैंने यहाँ सीधा काम कर दिया अपने फार्म बनाने। तो सबसे पहले होल करके मैंने यहाँ पानी डाला, उसके बाद लैंड को मैंने फर्टाइल करना स्टार्ट कर दिया। लैंड फर्टाइल होने के बाद मैंने इसमें सीड लगा दिया, और मेरे पास ज़्यादा सीड नहीं था, लेकिन हाँ जितना भी था बहुत मैं खुश था, और इतने में ही लगा के मैं यहाँ से निकल गया। इसके बाद जब मैं नीचे गया तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे ग्लोइंग थे, और ये मैं बहुत दिन से देख रहा था, तो आज तुम लोग को मैं दिखाई दिया। इन सबको मैं इग्नोर कर दिया क्योंकि मेरा यह बैटल स्टार्ट हो गया था एंडरमैन से, और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि हार्डकोर में भाई इससे लड़ना सच्ची में मज़ा आ रहा था। लेकिन हाँ, ये मेरा कुछ नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं पानी में था, और लास्ट में मैंने फाइनली इसको मार के वो एंडर पर्ल ले लिया। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया अपना सुगर केन की फार्मिंग करना। तो सबसे पहले मैंने उसके लिए सैंड लगाए, ज़्यादा नहीं थे लेकिन हाँ जितने भी थे काम थे, काम लायक थे। उसके बाद मैं सैंड लगाने के बाद मैंने लगा दिए इसके ऊपर सुगर केन एक एक ब्लॉक छोड़ के। फार्मिंग करते करते बिल्कुल रात हो गया था, तो मैंने सबसे पहले अपने आसपास थोड़े बहुत टॉर्चेस लगाए, अपने फार्म को देखा, अपने घर को देखा, और एक सच्ची में सुकून भरी नींद में जाके सो गया। उसके बाद मैंने ऊपर गया, जितने भी मेरे वीट ग्रो हुए थे उन सबको मैंने तोड़ लिया, और उनसे जितने भी सीड्स मिले थे मैंने उनको वापिस से उधर ही फार्मिंग कर दी। वीट लेके मैं गया था काऊ और शिप को लाने, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिले थे क्योंकि उनको ढूंढते ढूंढते रात हो गई, और इसमें जंगल बायोम में स्पॉन रेट उन लोगों का बहुत कम होता है। तो मैं वापस से अपने घर आ गया, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते मैं देखता हूँ कि सामने शिप रहते हैं। मैं सोचा कि सो के उनको सुबह ले लूँ, लेकिन मैं सो नहीं पा रहा था, तो मैं उनको सोचा थोड़ा बहुत अपने घर के पास लेके आता हूँ। और यहाँ मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि यह एक पिंक शिप थी, और मैं सो गया। रात भर मैं शांति से सो नहीं पाया था क्योंकि मैं डर रहा था कि ये डिस्पॉन ना हो जाए, लेकिन हाँ डिस्पॉन नहीं हुए। फिर इनको लेके जाना सबसे बड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्टी काम था, लेकिन हाँ सक्सेसफुली मैं इन लोगों को ऊपर लेके आ गया था। लेकिन हाँ, पिंक वाला नीचे ही छूट गया था, लेकिन तीन आ गए थे, मेरे को सिर्फ दो की ज़रूरत थी। इन तीनों को मैं अंदर लाया, उसके बाद मैंने अपना गेट लगाया, और गेट का डिज़ाइन सच्ची में मुझे खुद समझ नहीं आया कि मैंने क्या बनाया। मेरे को काऊ भी फाइनली मिल गए थे, इनको मैं लेके जा रहा था कि मैं देखता हूँ कि मेरे शुगर केन ग्रो होने लगे थे, और सच्ची में मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन इनको ले जाना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था क्योंकि बहुत ज़्यादा डांस कर रहे थे। लेकिन फाइनली इनको भी मैं लेके ऊपर आ गया था, एक नीचे छूट गया, लेकिन कोई नहीं, मेरे को सिर्फ दो की ज़रूरत थी। इन दोनों को अंदर लाने के बाद मैंने इनका भी गेट एक अलग ही डिज़ाइन में बनाया जो मुझे मालूम नहीं था। उसके बाद मैंने अपना वेट निकाला और इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी कराना। इसके बाद जितने भी मेरे शुगर केन्स भरे थे ऊपर के लेयर को मैंने सब तोड़ लिया, और उसके बाद जितने भी शुगर केन्स के बीच में एक एक ब्लॉक जो खाली था, तो जितने भी एक्स्ट्रा मेरे पास शुगर केन्स थे मैं उन सबको उधर ही फार्मिंग कर दिया। उसके बाद मेरे खाने जो बने थे उनको लिया, अपने फार्म को एक बार देख लिया, क्योंकि अब मैं बहुत ही दूर जाने वाला था जो था माइनिंग करने। तो मैंने अपने क्राफ्टिंग टेबल से प्लैंक, जितने भी ज़रूरत थे सामान, उन सबको निकाला, और अपने लिए माइनिंग के लिए टूल्स बनाना स्टार्ट कर दिया। टूल्स बनाने के बाद मैंने माइनिंग किया बिल्कुल अपने एक जस्ट घर के साइड में। ज़्यादा दूर मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आने जाने में ये एरिया बहुत ही ईजी था, इसलिए मैंने इधर ही माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। माइनिंग करते करते मेरे बहुत दिन निकल गए थे, और मेरे इतने लंबे लंबे वीडियो सेव हो रहे थे कि कितने सारे वीडियो मेरे सेव नहीं हुए थे। लेकिन हाँ, इतने दिन की माइनिंग के बाद मेरे को सिर्फ 5 डायमंड मिले, मतलब सोच सकते हो मेरी किस्मत कितनी गंदी थी। आयरन सब चीज़ मुझे दबा दबा के मिला, लेकिन हाँ मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं सोचा और माइनिंग करूँगा। उसके बाद मैंने अपने लिए एक चेस्ट बनाया, चेस्ट बनाने के बाद चेस्ट को रखा और उसके अंदर मैंने सब सामान को डाल दिया। उसके बाद मैं वापस टॉर्चेस बनाए थोड़े बहुत, अब पिकैक्स बनाया, और मैं वापस से मोटिवेट होके निकल गया माइनिंग करने दूसरे डायरेक्शन में। इधर भी बहुत दिन तक मैंने माइनिंग किया लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। लेकिन अब फाइनली एक डायमंड मिलता है, और यहाँ जाके मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे ही मैं माइनिंग करते गया और मुझे बहुत जगह डायमंड्स मिले। मैं माइनिंग कर ही रहा होता हूँ कि मुझे एक माइनशाफ्ट मिल जाता है, और मैं सच्ची में
यह बहुत डर डर के गया। लेकिन हाँ, यहाँ मुझे मालूम था कि लूट बहुत अच्छी मिल सकती है अगर मेरे को चेस्ट मिल गया, इसलिए मैं निडर होके लेकिन डर डर के ही मैं अंदर गया। अंदर जाते ही मेरे को फाइनली पहला चेस्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक गलती नहीं करना चाहता था, मैं ओपन वाला बटन क्लिक करके लूटा सब चीज़ और ना मैं नॉर्मली उस पर हाथ मार देता और वो टूट जाता है। यहाँ भी मुझे एक 5 डायमंड्स मिले और अच्छी लूट मिली। फिर यहाँ से मैं निकल गया सब चीज़ लूट कर। थोड़ी देर के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिलता है और इसके अंदर मेरे को ठीक ठाक लूट मिलता है, तो इनको भी मैं लूट लेता हूँ। उसके बाद एक और चेस्ट मिलता है और इसके अंदर मेरे को ग्लो बेरिस मिलता है। इसका क्या काम है मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन हाँ अच्छा लगा तो लूट लिया। और एक गोल्डन एप्पल भी मिलता है, बहुत ही सही। उसके बाद मेरे को गोल्ड के ओर्स मिलते हैं, इनको भी मैं माइन कर लेता हूँ और मैं घर जाता हूँ। घर जाते जाते मेरे को रास्ते में म्यूजिक सुनाई देता है और ये मेरे को समझ आ जाता है ये क्या होता है, इसको क्या कहते हैं मैं भूल गया हूँ सच्ची में। लेकिन इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था मुझे, लेकिन मैं सोचा आया हूँ तो इसको भी मैं माइनिंग कर ही लेता हूँ। तो थोड़े बहुत ब्लॉक्स को लूटता हूँ और क्रिस्टल्स को, और मैं घर निकल जाता हूँ। बाहर आने के बाद मैं सीधा अपने काऊ फार्म में गया, क्योंकि मुझे अब अपने लिए लेदर चाहिए था। तो मैंने यहाँ काऊ को फटाफट सबको मारना चालू किया और सच्ची में इनको मारना इतना इजी नहीं था, क्योंकि बहुत टाइम लगा इनको मारने में। काऊ को मारने के बाद मैं नीचे आया और मेरा फार्म इतना ओपी लग रहा था सुगर केन का, क्योंकि इतने अच्छे ये ग्रो हो गए थे। तो मैं इनको भी जल्दी से पूरे को तोड़ लेता हूँ, ऊपर वाले लेयर को। सब चीज़ तोड़ने के बाद मैंने पूरे चीज़ बना लिए थे, बुक्स एंड पेपर। एक कमी था तो वो मैं फिर से बना लेता हूँ। और इसके बाद मैंने अपने लिए बुक सेल्फ बनाया और अब फाइनली मैं अपना एन्चैंटमेंट रूम बनाने के लिए रेडी था। एन्चैंटमेंट रूम मैंने नीचे ही बनाया बेस में अपने घर के, और ये भी मेरा एक ही डिज़ाइन का रहता है, मैं ज़्यादातर यही बनाता हूँ, क्योंकि ये मुझे सच्ची में बहुत ओपी लगता है डिज़ाइन। तो मैंने ये 15 बुक सेल्फ का डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद मैं नीचे चल जाता हूँ, माइनिंग जा किया था, क्योंकि मुझे वहाँ से मुझे लावा लेके आना था, सॉरी लावा नहीं, ऑब्सीडियन, लावा को कन्वर्ट करना था ऑब्सीडियन में। तो यहाँ मैं डायमंड्स भी लेके अपने इन्वेंट्री में रख लिया, क्योंकि अब मैं ऊपर जाके अपने लिए डायमंड का आर्मर भी बनाने वाला था। और डायमंड का पिकेक्स बना के मैं पहुँच गया सीधा डायमंड के पूल के पास, और यहाँ मैंने एक बकेट पानी डाला और ये पानी ने सबको ऑब्सीडियन बना दिया। फिर मैंने पानी को उठा लिया और मेरे को सिर्फ एक ऑब्सीडियन ब्लॉक चाहिए था, तो मैंने यहाँ एक ऑब्सीडियन ब्लॉक माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। नीचे से सब चीज़ कलेक्ट करके मैं ऊपर आया और मैंने ऊपर आके क्राफ्टिंग टेबल में अपना फाइनली एन्चैंटमेंट टेबल बना लिया और इसको जाके मैंने बीच में प्लेस कर दिया। इसके बाद मैं वापस से अपने क्राफ्टिंग टेबल के पास जाता हूँ, क्योंकि अब मेरे को अपना फुल डायमंड आर्मर सेट बनाना था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने लिए पूरे डायमंड्स के आर्मर बना लेता हूँ। सो गाइस, फाइनली हमने हार्डकोर जंगल ओनली बायोम में 50 डेज सर्वाइव कर लिया और हमने अपने पूरे गोल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, जो था घर बनाना और डायमंड का फुल आर्मर और एक एन्चैंटमेंट रूम बनाना। ये तीनों गोल हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट 50 डेज के वीडियोस बहुत ही जल्दी आएंगे, जिसमें हम लोग एंडर ड्रैगन को, विथर बॉस को और हम लोग नेदर फोर्ट्रेस को फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची में ओपी कंटेंट आएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली मेम्बर्स के साथ करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।